इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में आज तक से खास बातचीत में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका यह दावा है कि नेशनल हेराल्ड केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी को बदलने से सरकार पर संदेह पैदा हुआ। अधिकारी को बदलने को चिदम्बरम ने राजनीतिक बदले की भावना से जोड़ा। साथ ही ये भी कहा कि संसद को रोकने का फैसला उनका नहीं है, ये संसदीय दल ने लिया है। चिदम्बरम का ये कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में कई खामियां हैं। उनका ये कहना है कि हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को किसी तरह का आर्थिक फायदा नहीं हुआ है। साथ ही जीएसटी और नेशनल हेराल्ड केस दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप सारदेसाई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजदीप, और क्या कुछ कहा चिदम्बरम ने इस बातचीत में जो कि महत्वपूर्ण माना जाए नेशनल हेराल्ड मामले में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि सरकार ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर को क्यों बदला, एक बंद केस को क्यों खोला गया कुछ महीनों पहले सुब्रमण्यम स्वामी के प्राइवेट कंप्लेंट पर। और उनका कहना है कि इससे साफ है कि सरकार की मंशा क्या थी। सरकार चाहती थी कि गांधी फैमिली को, गांधी परिवार को कहीं ना कहीं इस मामले में घेरा जाए। यानी कल जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि इसमें पॉलिटिकल साजिश है, पॉलिटिकल बदले की भावना से किया गया है, और सरकार ने कहा था आप हमें प्रमाण दीजिए, तो आज चिदम्बरम ने एक बात कही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बदलाव की वजह से ये संदेह है कि सरकार चाहती थी कहीं ना कहीं कि गांधी परिवार को घेरा जाए। ये सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो जीएसटी का जो मुद्दा है उसको आप इस मामले से न जोड़े। अगर सरकार जीएसटी पर हमारी बात माने तो हम अब भी तैयार हैं जीएसटी को पास करने के लिए। ये कहना गलत है कि हम पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं, इसका मतलब है कि जीएसटी नहीं आएगा। आप इन दोनों मामलों से दोनों मामलों को मत जोड़िए। लेकिन जो बड़ी बात है कि इससे साफ है कि अब कांग्रेस चाहती है कि सरकार जवाब दे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर को क्यों बदला गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ पर चिदम्बरम का ये कहना कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें कई खामियां हैं, हालांकि संसद में जो गतिरोध किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से उसमें वो शामिल नहीं है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि पी चिदम्बरम ने आखिरकार क्या कुछ कहा। Subramaniam Swamy files this complaint in 2012-2013. He doesn't file it when the BJP is in power in 2015. It doesn't matter when the complaint was filed. What matters is, after the BJP government came into office, the ED had a preliminary inquiry and closed it saying there's no case. The ED was abruptly transferred. The case was reopened. That answers your question, why is there suspicion about the BJP's motives? No.